मित्रतम है ये बात है। सवारी आई बस में ये बात है। है भाई ये बात है। यू क्या करने लाए रहे सवारी आई बस में बता दे। कितना जाऊं तो इतना क्या मतलब इस बार भाड़ा दे रखा ना भाड़ा दे रखा ना बैठ जाए सवारी आई बस में ये काम होया करेंगे ठीक होया करे ना बैठ जा आराम से। उल्टा बोल गया मन्ने क्या कही है जब धरती मन्ने धरती क्यों कही है बैठ जा रहे क्या दे क्या करेगा ना दे सोचना करूँ मैं बस तो फिर ना बैठता ना बैठता बोल के है? अरे फिर गाल ना दे दी सवारी आई बस में दारू पियो गया तू बैठ कर ये लेडीज बैठी आपकी कम उल्टा बोले फिर तू दारू पियो गया सवारी आई बस में या जीएम द्वारा जाएगी परिवहन मंत्री द्वारा जाओगी सब द्वारा जाओगी हाँ अरे फिर हमने क्या मतलब है गैस के बिना हुआ है या उतरेगी ना जब तक आप समझ में आ जाओगी अरे तू तो छोड़ देगा माल लेकर समझ माल लेकर समझ में तू तो छोड़ देगा भाई माल लेकर समझ में आओगी तेरा कुछ नहीं था भाई जब तक मैं कुछ नहीं होया करता भाईचारे में सब कुछ होया कर कोई नहीं जब कह सका तू उल्टा बोल रहा है जब बड़ा वीडियो अरे दारू पीड़ लग रहा और इससे फालतू क्या करेगा तू शरीर हमारा पास हाँ तेरा शरीर ना अपना घरा बैठ कर पी भाई सवारी आई बस में पीने अलाउ नहीं है रात हो जाए भाई रात भाई तड़के तेरी सारी उतर जाएगी मैं 5 बजे उठ के चलूं 4:30 बजे उठूं 5 बजे सर एक झज्जर भादरौन के बीच में एक प्राइवेट सहकारी समिति की बस चलती है उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सवारियों के बीच में चलती बस में ड्राइवर और कंडक्टर नशे का सेवन कर रहे शराब का सेवन कर रहे हैं तो उस बारे में आपका क्या देखिए जी अगर उस वीडियो से उनकी पहचान एस्टेब्लिश हो सकती है तो निश्चित तौर पर उन व्यक्तियों के खिलाफ भी और संबंधित जो ऑपरेटिंग सोसाइटी है उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस विषय में एक दो और भी शिकायतें मुझे प्राप्त हुई थी जहां पर उन्होंने टिकट नहीं दिया या ओवर चार्जिंग किया है तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी सेक्रेटरी आरटीए को बोल दिया है उसमें अगर ये रिपीटेड कार्रवाई होती है तो ऐसे लोगों का परमिट रद्द भी किया जा सकता है।